पब्लिक की अलग ट्रैक में अलग ट्रैक में चलो भाई एक बार बस एक देखिए चुनावी चीज़ें तो हम ज़्यादातर क्योंकि मेरे वोटर लिस्ट में नामे नहीं है इसीलिए हम चारों तरफ है। वोटर लिस्ट में नाम होता तो हो सकता था जे कहीं रवि भैया दुखी होते या मनोज भैया दुखी होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मेरे वोटर लिस्ट में नामे नहीं है तो फिर मैं कहीं से दुखी नहीं हूँ भाई। सबको प्रणाम करूँगा, सबका सपोर्ट करूँगा हाथ उठा के। आपने गाना भी गाया के लिए जी। एक्चुअली रवि जी हमारे क्षेत्र से हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, तो अगर वो जीतते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि हमारा एक नेता होगा, हमारा इंडस्ट्री का एक नेता होगा यूपी में, तो हम कितने फख्र से कह सकते हैं। हम तो पागल हो जाएंगे जिस दिन रवि भैया जीतते हैं, चाहे जिस दिन मनोज भैया जीतते हैं, तो हम तो पागल ही हो जाएंगे क्योंकि हमारा क्षेत्र और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से वो दो हमारे आदर्श लोग गए हैं। तो हम चाहेंगे कि जितनी भी हमारी भोजपुरी ऑडियंस है, जहाँ भी है, जैसे भी है, इन दोनों भाइयों का आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम किसी पार्टी का वोट नहीं मांग रहे हैं, हम अपने भाइयों के लिए कह रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम चाहेंगे कि और हम फिल्म के मुहूर्त में आकर और पार्टी पार्टीशन की बात कर रहे हैं तो चलिए ठीक है। और एक कहानी है भाई, हमारे जो है इसके सेकंड हीरो हैं और हम दोनों लतखोर हैं। आप बताइए जिस हिसाब से ये टाइटल है उस हिसाब से हम दोनों लतखोर हैं तभी ये टाइटल है, क्योंकि हम मैंने गाँव के जो छटुआ नहीं होते हैं उस हिसाब के हमारा करेक्टर है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग को भी जीना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि अपने आप को भी बेचना पड़ता है। यादगार लतखोरी है जो आपको याद रहे उसके बारे में बताना। देखिए लतखोरी में भी बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मैं गांव में पहले रहता था तो 20-20 भैंस रहती थी, तो मैं किसी का मसूरिया काट लेता था, किसी का मकई तोड़ लेता था, वो सब वो तो चलता ही रहता था, सरसों उखाड़ लेता था, अपने भैंस को खिला देता था। तो लतखोरी तो मैं शुरू से किया हूँ और एक कैरेक्टर पर मेरे फिट बैठता है क्योंकि शुरू से मैंने वही किया है और आज ये मुझे टाइटल भी मिल गया। तो मज़ा आ रहा है ये टाइटल सुन के कम मेरी कैरेक्टर इसमें दिखेगा, क्योंकि इसी फिल्म में मेरा सबसे ज़्यादा कैरेक्टर दिखेगा क्योंकि मैं यही था और यहाँ तक पहुँचा। तो पब्लिक का प्यार है, लात खाते खाते यहाँ तक पहुँचा हूँ तभी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जबकि ठोकर नहीं लगती है तब कोई पत्थर भगवान नहीं बनता है। लोग कहते हैं कि जब तक छेनी की हथौड़ी ना लगे तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं बनता है, तो हम वही पत्थर हैं और आज भगवान ने बहुत सारी चीज़ पब्लिक का प्यार हमें मिला, वो हमारे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। हम भगवान तो हैं, हम भगवान को देखे नहीं है, लेकिन हमारे दिल में एक भगवान की छवि हमारी पब्लिक की होती है, हमारी माता बहन बेटियों की होती है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा है। आप लोगों के सामने कुछ कहने का अगर क्षमता अगर है तो मेरे अंदर नहीं है, वो पब्लिक का है और पब्लिक के सपोर्ट से हम आज कुछ कह रहे हैं, वरना हमारी औकात नहीं है जो हम कुछ कह सके। और कभी तो हम कैमरा देखे भी नहीं थे जो होता कैसा है, लेकिन आज पब्लिक का प्यार मिला है तभी हम आप सबके सामने हैं और चैनल पर भी है और इस फिल्म में भी अगर हम हैं तो मेरे पब्लिक का देन है, मेरा कुछ नहीं है। और मैं जब भी जब तक जीऊँगा मैं अपने पब्लिक के लिए जीऊँगा। अपनी ज़िंदगी तो मैं भूल ही चुका हूँ, जब तक भैंस पे चढ़ता था उस समय भी पब्लिक के लिए गाता था, भैंस पे गाता था तो लोगों को इंजॉय कराता था। और आज भी जिंदगी में चाहता हूँ कि भगवान अगले जन्म भी देना तो इस पब्लिक के बीच में देना, इन देवता रूपी श्रोताओं के बीच में मुझे पैदा करना कि मैं कम से कम इनका दिल का हाल जान सकूं और इनके लिए मैं कुछ गा सकूं और उनका मनोरंजन करा सकूं, इससे ज़्यादा कुछ। आप बताइए कितनी खुशी आपके दिल में आज? मैं बहुत खुश हूँ और सबको मैं बोलूँगा कि ये फिल्म जरूर देखें और मैं बहुत बहुत खुश हूँ।
इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। मेरा सपना जैसा है ये मूवी। और मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ अभिषेक कुमार जो हमारे प्रोड्यूसर है, जिनकी वजह से आज मैं खड़ा हूँ। जिंदगी भर मैं इनका एहसान मैं चुका नहीं सकता, तहे दिल से मैं उनको मानता हूँ। वो मेरे तरफ एक तरफ से मेरे गॉड फादर है। और खेसारी भैया फिल्म में जो था बोल ही दिए हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इनके सामने तो बच्चा हूँ, मगर फिर भी कोशिश करूँगा कि दोनों भाई अच्छा लतखोर बन के दिखाएं इस फिल्म में, ना कि रियल लाइफ में, क्योंकि बहुत लतखोरी हो चुकी है। एक्चुअली लतखोर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि लतखोर बनना बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद सुधरना कितना मुश्किल, कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग एक बार जरूर लतखोर को देखें, इन दोनों लतखोरों को जरूर देखें। और इस फिल्म का डायरेक्टर अपना अजय भैया है, अजय भैया को बहुत मानता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो मैं यही बोलूँगा सब मिला के किस प्रकार की खुशी है आज फिल्म का मुहूर्त है लतखोर। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे लतखोर फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और उसके ऊपर मेरा फेवरेट डायरेक्टर के साथ मैं फिर से काम कर रही हूँ। चौथी फिल्म है हमारी है, इसके जस्ट पहले तेरे नाम हम लोगों ने कंप्लीट किया है, वो भी खेसारी जी के साथ ही था। बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर क्योंकि कहानी बहुत मस्त है। टाइटल है लतखोरी। बचपन में कैसी लतखोरी करती थी क्या मतलब? नहीं, मैं बिल्कुल लतखोरी नहीं हूँ। जैसा इंसिडेंट जो बताना चाहिए? नहीं, मैं बहुत डिसेंट थी और कोई इस टाइप का नहीं थी। और बेसिकली ये लतखोर जो दो हीरो है वो लोग हैं, हम तो ये लतखोर को हमेशा टाइप करते रहते हैं पूरी फिल्म में, और फिर कैसे कैसे हादसे से निकल के फिर सीरियस टोन पे आते हैं इस टाइप का। एक से एक है हम लोगों के, हम दोनों के टेक्निक्स, एक्चुअली मैं और सोनाक्षी दोनों मिलके इन लोगों को टाइप करेंगे। स्टोरी का ऐसा स्क्राफ्ट क्या बोर्ड था जो पसंद आया और आपने हाँ बोली? फर्स्ट ऑफ ऑल अजय श्रीवास्तव जी, उनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनके टेक्निक्स और डायरेक्शन मुझे बहुत पसंद है। और उसके ऊपर कॉमेडी बहुत अच्छा है इसमें, कॉमेडी के साथ साथ अच्छे गाने और बहुत मतलब एंटरटेनिंग फिल्म है। हाँ एकदम बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा कॉमेडी फिल्म अजय भी ट्राई कर रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के लिए? ऑडियंस को मैं यही कहूँगी कि आप लोग जब ये फिल्म देखेंगे आप लोगों को लगेगा, क्योंकि आदमी लोग या बॉयज़ लोग या कॉलेज गोइंग बॉयज लोग हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का लतखोरीपना तो करते ही हैं, तो आप लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे इस फिल्म के साथ और इसीलिए आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, इलेक्शन का माहौल है, रवि भैया ही मैदान में हैं, मनोज भैया ही मैदान में, कैसे सपोर्ट करेंगे? मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं उनको ही सपोर्ट करूँगी जो हमारे देश के लिए अच्छा करेगा। नहीं, क्योंकि मैं वोट ही नहीं देती हूँ, मेरा वोटर कार्ड भी नहीं है। थैंक यू। पंगा कहाँ है भाई? कल बैठ जाते हैं ऑफिस में, बैठते हैं।
पब्लिक की अलग ट्रैक में, अलग ट्रैक में तेरा नाम बस। हां हां ले ले फुटेज के दे, चलो भाई। हां भाई एक बार बस एक ही बार में। Yeah.